हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले टाइम में एक बर्गर किंग का आईपीओ आया था। आपको पता ही है बर्गर किंग क्या है, मैंने वीडियो भी डाली थी, आप ऊपर लिंक मिल जाएगा तो देख लीजिएगा। तो इस आईपीओ में लगभग आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। बहुत बेहतरीन आईपीओ था। एज वेल एज एक और आईपीओ आया था मिसेस बैक्टर का, जो कि आपके पैसे को लगभग डबल कर 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 दिया है। तो ऐसे ही और भी आईपीओ आने वाले हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो 2020 में लगभग 16 आईपीओ आया है। 16 ऐसी कंपनी थी जिन्होंने 31,000 करोड़ रुपए मार्केट से 2020 में जुटाए हैं। अगर 2021 की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 2021 इससे ही बेटर होगा। बहुत सारे बेहतरीन आईपीओ आने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 2019 में आईपीओ के थ्रू लगभग 17,433 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। और अगर बात की जाए 2020 में तो जैसे 31,000 करोड़, 2021 में और भी ज़्यादा पैसे जुटाने की यहाँ पर बातें हो रही है। तो बेहतरीन हमें आईपीओ वाइज ये साल दिखा है। ऐसे ही एक आईपीओ आने वाला है। अगर बात की जाए कौन किससे रिलेटेड, देखिए केएफसी। केएफसी सबको पता है क्या काम करता है। ये भी फूड रेस्टोरेंट है जिसमें आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एज वेल एज बात की जाए पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट तो पिज़्ज़ा हट का भी एक आईपीओ, जैसे कि इंडिया में डोमिनोज का आईपीओ है। अब अगर आपको पता ना हो डोमिनोज का आईपीओ है, बट किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है जुबिलेंट फूड। एज वेल एज अगर हम बात की जाए मैगडी, तो मैगडी का भी आईपीओ है जो कि वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की कंपनी। तो ऐसे ही एक आईपीओ और आ रहा है। तो जो जो आईपीओ आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिस वीक इन एफएमसीजी स्टेलर रेस्पॉन्स टू मिसेस बैक्टर आईपीओ, नेक्स्ट वन फ्रॉम केएफसी एंड पिज्जा हट। तो केएफसी पिज्जा हट का कोई अलग से आईपीओ नहीं आने वाला। एक कंपनी है जो कि आईपीओ ला रही है, जो कि इंडिया में अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी लेनी होती है तो आप किससे कांटेक्ट करते हैं कि अगर आपको डोमिनोज लेने की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको जुबिलेंट फूड के मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो यहाँ पर जो राइट्स है जो यहाँ पर किसका, KFC, पिज़्ज़ा हट और टाको बेल का, ये बहुत बेहतरीन बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो अगर आपको इसका कोई आप फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी सैफर फूड्स आईपीओ। तो इस सैफर फूड्स आईपीओ का आने वाला है। सैफर फूड कंपनी का नाम है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे आपको बात करनी पड़ेगी। देखिए अकॉर्डिंग टू द सोर्स टू मनी कंट्रोल, ये मेरी न्यूज़ है, मनी कंट्रोल बोल रहा है, आफ्टर बर्गर किंग आईपीओ जो कि आपके पैसे को लगभग 2 गुना 3 गुना कर चुका है, तो सैफर फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विच बैक टॉप ब्रांड्स लाइक KFC, पिज़्ज़ा हट एंड टाको बेल एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम। तो ये जो फ्रेंचाइजीज है, जो यम की बात की जाए या टाको बेल, पिज़्ज़ा हट, KFC, तो ये किसके अंडर आता है, ये इंडिया में आता है, शेफर फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके अंडर में आता है। तो इसका आईपीओ आपको 2021 में आते हुए दिखेगा। तो देखिए द मुंबई बेस्ड फ्रॉम द फर्म काउंट्स समारा कैपिटल गोल्डमैन सैक्स CX पार्टनर IDI एमर्जिंग मार्केट एंड एडलविस प्राइवेट इक्विटी एज इट्स इन्वेस्टर। तो ये जो है, ये जितने भी मैंने आपको नाम लिए है ये सारे के सारे इसके इन्वेस्टर है। एंड सैफर फूड विच वॉज सेट अप इन सेप्टेम्बर 2015 ऑपरेट्स मोर देन 400 KFC, पिज़्ज़ा हट एंड टाको बेल रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो लगभग 400 इनकी ब्रांचेज है अराउंड दीज कंट्रीज। तो ये आईपीओ आपको बहुत जल्दी शायद आता हुआ हमें मिल जाए। तो इसकी तरफ आप नज़रें बना के रखना। आपके 2021 में और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। जोमेटो की बात की जाए, फ्लिपकार्ट की आईपीओ की बात की जाए, लगभग जो 75,000 करोड़ का आने वाला है ऐसे इंडिविजुअल। तो ऐसे ही आईपीओ मार्केट में हिट होते हुए आपको दिखाई देंगे, जो आपके पैसे को डबल और ट्रिपल करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो उन्हीं से जब जब ये आईपीओ आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपको बताता जाऊंगा। एक लिस्ट बनाने वाला हूँ कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं 2021 में, तब आपको सारे आईपीओ की एक डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये आज का वीडियो था। तो एक बेहतरीन आईपीओ KFC, पिज़्ज़ा हट को जो ऑपरेट करता है स्टेलर रेस्पॉन्स इंडिया लिमिटेड, तो इसका आईपीओ आने वाला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी आएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।